51 से 50 तक इसके पहले हो चुका है, पहले भाग 1 में। तो चलिए देखते हैं, प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। दोस्तों यदि ऑप्शन में देखें तो 2 अक्टूबर को विश्व अहिंसा दिवस होता है। 2 अक्टूबर को क्या होता है? विश्व अहिंसा दिवस। 22 मई को क्या होता है? विश्व जैव विविधता दिवस, विश्व जैव विविधता दिवस। लेकिन 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 14 सितंबर को होता है हिंदी दिवस। 14 सितंबर को क्या होता है दोस्तों? हिंदी दिवस। और रहा बात 30 जनवरी को, तो शहीद दिवस होता है। 30 जनवरी को शहीद दिवस, यानी 2 अक्टूबर विश्व अहिंसा दिवस, 22 मई जो है विश्व जैव विविधता दिवस, 14 सितंबर को देखिए 14 सितंबर 1949 को संविधान में के हिंदी को राजभाषा घोषित किया गया था, तभी से 14 सितंबर को प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसलिए इसका सही आंसर है 14 सितंबर। ठीक, अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 52। 52 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो इसका सही आंसर है अंग्रेजी। इसका सही आंसर क्या है? अंग्रेजी। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा अंग्रेजी है, परंतु देखिए डोगरी, डोगरी जो है वर्ष 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था। ये जम्मू कश्मीर में बोले जाने वाली भाषा है। ठीक, कहाँ बोली जाती है दोस्तों? जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भाषा डोगरी है। ठीक, ये 8वीं अनुसूची पे 22 नंबर पे है। ठीक, 2003 में 8वीं अनुसूची में इसे शामिल किया गया था, परंतु देखिए 2003 में बनबेवा संविधान संशोधन में जो है बोडो, संथाली, डोगरी और मैथिली को शामिल किया गया, परंतु ये 2003 में 22 दिसंबर 2003 को लोकसभा में पारित हुआ, 23 दिसंबर 2003 को राज्यसभा में, लेकिन 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 लागू कब हुआ? तो 7 जनवरी 2004 को। इसीलिए ऑप्शन में कहीं कहीं मिलता है कि डोगरी, बोडो, संथाली या मैथिली को कब लागू किया गया, तो इसीलिए 2004 आता है दोस्तों। इसमें सस्पेंस मत करना। लेकिन यहाँ प्रश्न था कि अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है, तो सही आंसर है अंग्रेजी। ठीक, अब देखिए अंग्रेजी जो है ये 22 भाषाओं में शामिल नहीं है, 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाला यदि विदेशी भाषा देखा जाए तो नेपाली है। ठीक, विदेशी भाषा कौन है? नेपाली है, जो कि 11 नंबर पर है। कितने नंबर पर है? 11 नंबर पे। और 4 नंबर पर हिंदी है दोस्तों। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है अधिनियम 1967 संशोधन करके 1967 में, देखिए राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन करके 1967 में इसलिए किया गया ताकि हिंदीतर भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप दिया जाए। इसीलिए राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन, राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधन किया गया। तो इसका सही आंसर है अधिनियम 1967। और ध्यान दें कि उसी समय 1967 में जब राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधन किया गया, तो उसी समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसी समय क्या किया गया दोस्तों? सिंधी भाषा को, ये कैसवा संविधान संशोधन है, उसी समय सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो मूल संविधान में जो पहले बनी थी उसमें यानी कि 14 भाषाएं थी 8वीं अनुसूची में, परंतु जब 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी मूल रूप से, तो जब सिंधी जोड़ा गया तो 15 हो गए। और वो सिंधी कब जोड़ा गया? तो राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधन अधिनियम 1967 में जब संशोधन हुआ, तब ये 21वां संविधान संशोधन था। और राजभाषा अधिनियम 1967 संशोधित किस लिए किया गया? तो हिंदी तर भाषी के क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए किया गया। ठीक, तो चलिए आगे देखते हैं। चूंकि देखिए पहला ऑप्शन को यदि देखें तो पहला ऑप्शन है 1963, तो 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम लागू हुआ था। दूसरा में है 1976, अधिनियम 1976। तो देखिए अधिनियम 1976 कुछ नहीं है, लेकिन राजभाषा नियम 1976 में बना था, जनवरी 1976 में। अच्छा,
चौथा ऑप्शन को यदि देखें, अधिनियम 1965 लिखा है, तो देखिए 26 जनवरी 1965 को राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 लागू हुई थी। कब? 26 जनवरी 1965 को राजभाषा की अधिनियम की, राजभाषा अधिनियम की धारा 3-3 लागू हुई थी। तो चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 54वां प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 संविधान के किस भाग में है। कहां से कहां तक दोस्तों? 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है। तो ये दोस्तों इसका सही आंसर है, इसका सही आंसर हुआ 17, भाग 17 में अनुच्छेद 343 भी है, जिसमें बताया गया है कि हिंदी राजभाषा और लिपि देवनागरी होगी, और उसी में संविधान 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। कितने अनुच्छेद हैं? कुल 9 अनुच्छेद जो हैं संविधान के भाग 17 में राजभाषा से संबंधित हैं। तो राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में है? भाग 17 में। अब देखिए यदि ऑप्शन वाइज देखा जाए कि भाग 11 में क्या है, तो दोस्तों 11 में संघ एवं राज्यों के बीच संबंध स्थापित करने वाला अनुच्छेद 245 से 263 तक है, ये भी कुल 19 है। कुल कितने हैं? 19। यदि हम देखें कि भाग 15 में क्या है, खा नंबर ऑप्शन है, तो 15 में निर्वाचन से संबंधित 324 अनुच्छेद से लेकर 329 तक, यानी कुल 6 अनुच्छेद हैं। लेकिन 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 भाग 17 में 343 से 351 तक 9 अनुच्छेद राजभाषा से संबंधित है, इसलिए यही आंसर है। और यदि 10वां अनुच्छेद में देखें तो ST SC क्षेत्र से संबंधित 224 और 224 का ये 2 अनुच्छेद है। इसका सही आंसर था भाग 17। ठीक, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 55वां प्रश्न है कि राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर है कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने के लिए क्यों किया गया, राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया कि 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा का प्रयोग जारी रहे, इसलिए गा नंबर सही आंसर है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 नंबर प्रश्न है दोस्तों, 56 नंबर प्रश्न है, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ, राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ। इसका सही आंसर है 1976 में। कब पारित हुआ दोस्तों? 1976 में। परंतु देखिए का नंबर ऑप्शन है 1963, ये क्या है? तो दोस्तों 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना था। कब बना था? 10 मई 1963 को राजभाषा अधिनियम बना था। ठीक, 1970 में कोई विशेष नहीं है, लेकिन यदि 1967 में देखा जाए तो राजभाषा अधिनियम 1963 का संशोधन हुआ था और सिंधी भाषा जोड़ा गया था। लेकिन 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 1976 में राजभाषा अधिनियम राजभाषा नियम बना था, अधिनियम नहीं, राजभाषा नियम बना था। तो चलिए आगे देखते हैं 57 नंबर प्रश्न है दोस्तों, संविधान के 17वें भाग में कुल कितने अनुच्छेद हैं। तो दोस्तों 17वां भाग में आप अभी सुने हैं कि 343 से लेकर के 351 तक, कहां से? 343 से 351 तक, यानी कुल जो है 9 अनुच्छेद हैं। कितने हैं? 9 अनुच्छेद संविधान के भाग 17 में 343 से 351 तक कुल 9 अनुच्छेद हैं। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 58 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि दमन और दीव तथा दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग के दृष्टिकोण से किस क्षेत्र में है। तो दोस्तों दमन और दीव, दादर और नगर हवेली संघ राज्य क्षेत्र राजभाषा के प्रयोग के दृष्टिकोण से खा क्षेत्र में है। किसमें है दोस्तों? खा क्षेत्र में। अब देखिए, अब हमें देखना है कि सही आंसर तो हो गया खा क्षेत्र, लेकिन काम में कौन कौन आता है दोस्तों? काम में तो काम में आता है हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार।
कौन कौन आता है दोस्तों का क्षेत्र में? हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, दिल्ली, अंडमान और निकोबार। अब यदि देखें हम कि गा क्षेत्र में कौन कौन आता है, तो गा क्षेत्र में तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम, असम, मेघालय, पांडुचेरी, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर आता है दोस्तों। लेकिन 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 यदि हम खा देखें तो खा में पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, ठीक, दमन और दीव और दादर और नगर हवेली आता है खा में। और दोस्तों ये घा कोई है ही नहीं, क्योंकि तीन ही क्षेत्र में बांटा गया है, का, खा और गा। तो इसका सही आंसर है ख नंबर। ख में जो है, खा नंबर में यदि देखें तो पंजाब, गुजरात, चंडीगढ़, महाराष्ट्र, दमन, दीव और दादर और नगर हवेली है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। अब देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 59 है कि हिंदी में कार्यालय कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार योजना है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। क्या है दोस्तों? हिंदी में कार्यालय कार्य करने के लिए व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना रखा गया है, जिसमें कुल 134 पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक पुरस्कार 3,000 रुपया का होता है। कितने का होता है दोस्तों प्रत्येक पुरस्कार? 3,000 रुपया का। पहले ये 1,500 रुपया था, लेकिन अब 3,000 रुपया का हो गया है। आप लोग कहीं शक न कीजिएगा, क्योंकि पहले पढ़े होंगे तो उसमें 1,500 रुपया होगा, अब कितना हो गया है? 3,000 रुपया के प्रत्येक पुरस्कार। कुल 134 पुरस्कार दिया जाता है। यदि ऑप्शन से हम लोग देखें कि मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना क्या है, तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना कहाँ दिया जाता है, उसका पुरस्कार जहाँ कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य के लिए मुंशी प्रेमचंद पुरस्कार योजना दिया जाता है। यदि हम लोग देखें कि सामूहिक पुरस्कार योजना कहाँ दिया जाता है दोस्तों, तो सामूहिक पुरस्कार योजना हिंदी के सर्वाधिक प्रयोग करने वाले विभाग को दिया जाता है। उसमें कुल जो है 17 पुरस्कार होते हैं। पहला 6 पुरस्कार 12,000 रुपया का होता है सामूहिक पुरस्कार में, दूसरा 5 पुरस्कार 8,000 रुपया का होता है, तीसरा 5 पुरस्कार 6,000 रुपया के, 12,000, 8,000, 6,000। पहला 6 पुरस्कार 12,000 के, दूसरा 5 गो तक पुरस्कार 8,000 के, तीसरा 5 गो तक पुरस्कार जो होता है 6,000 के। इस तरह से 6, 5, 11, 5, 16 पुरस्कार कुल दिए जाते हैं, 17 नहीं दोस्तों 16 पुरस्कार ये जो होता है सामूहिक पुरस्कार योजना में दिया जाता है। और यदि हम लोग आगे व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना, तो व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना में 134 गो पुरस्कार दिया जाता है और प्रत्येक पुरस्कार 3,000 रुपया का होता है। पहले यह 1,500 रुपया के ही था। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 पे। 7वां प्रश्न है दोस्तों कि केंद्रीय 60 नंबर प्रश्न है, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष, तो दोस्तों इसका सही आंसर है घा नंबर, यानी राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। कौन होते हैं? राजभाषा विभाग के गृह मंत्रालय के सचिव, केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। अब देखिए दोस्तों जरा सा देख लीजिए कि यदि हम लोग ऑप्शन गृह मंत्री को यदि देखें तो यह संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष होते हैं। किसका होते हैं? संसदीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष गृह मंत्री होते हैं। यदि प्रधानमंत्री को देखें तो केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं, केंद्रीय हिंदी समिति के अध्यक्ष। परंतु केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष राजभाषा विभाग गृह मंत्रालय के सचिव होते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। 61 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका सही आंसर है खा नंबर। कौन सा है? प्रबोध। सही आंसर क्या है? प्रबोध। अब देखिए दोस्तों प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, ये 3 पाठ्यक्रम है। देखिए अभी एक नया पाठ्यक्रम पारंगत भी है। यदि सबसे अंतिम पाठ्यक्रम में प्राज्ञ आ रहे थे शुरू में, यदि सबसे अंतिम पाठ्यक्रम पर पारंगत रहता है तो वही आंसर होगा, नहीं है तो प्राज्ञ आंसर होगा। कौन सा होगा? प्राज्ञ। तो प्रबोध, प्रवीण, प्राज्ञ, तो इसमें प्रारंभिक पाठ्यक्रम जो है प्रबोध है और अंतिम लिपिकीय कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम प्राज्ञ है। प्रारंभिक
पाठ्यक्रम प्रबोध है और लिपिकीय कर्मचारियों के लिए अंतिम पाठ्यक्रम प्राज्ञ है। ठीक, और पहले से अभी तक तीन का विशेष महत्व है और कुछ जगह पारंगत का महत्व नहीं मिला है, इसलिए यदि ऑप्शन में न रहे तो प्राज्ञ अंतिम पाठ्यक्रम है। अब प्रारंभिक कौन है? प्रबोध। अब जरा सा देख ले ऑप्शन वाइज, हम लोग यदि हम लोग प्रवीण को देखें तो प्रवीण में 1800, 1200 व 600 का पुरस्कार होता है। पहले तो तीनों प्रवीण हो चाहे प्रबोध हो या प्राज्ञ हो, प्रबोध प्रवीण प्राज्ञ ये 5-5 महीना का कोर्स होता है। कितने महीना का होता है दोस्तों? ये 5-5 महीना का तीनों कोर्स है, चाहे वो प्रबोध हो, प्रवीण हो या प्राज्ञ हो। परंतु यदि पुरस्कार के दृष्टि से देखा जाए तो देखिए, पहला जो पुरस्कार होता है दोस्तों, वो पहला पुरस्कार जो होता है वो 70% से ऊपर वालों का होता है, 70% से अधिक में पहला पुरस्कार। और दूसरा जो होता है 60% से लेकर के 69% तक का होता है। और तीसरा पुरस्कार दोस्तों 55% से लेके 59% तक का है। तो देखिए, अब ये देखना है कि यदि हमारा प्रवीण है तो प्रवीण में पहला पुरस्कार 1800 रुपया के, दूसरा 1200 रुपया के, तीसरा 600 रुपया के होता है। यदि दूसरा ऑप्शन को हम प्रबोध को देखें तो प्रबोध में पहला पुरस्कार 1600 रुपया के, दूसरा 800 रुपया के, तीसरा 400 रुपया के होता है। यदि तीसरा हम लोग प्राज्ञ ऑप्शन को देखें तो पहला पुरस्कार 2400 रुपया के, दूसरा 1600 रुपया के और तीसरा 800 रुपया के होता है। दोस्तों प्राज्ञ अंतिम पाठ्यक्रम है, इसका सबसे अधिक वाला पुरस्कार होता है 2400, 1600, 800, क्योंकि जब प्रबोध परीक्षा जो पास करेगा वही तो प्रवीण करेगा। तो प्रबोध में पहले 1600, 800, 400 है, तो प्रवीण में और बढ़ा के 1800, 1200, 600, तो प्राज्ञ में तो बहुत बड़ा के 2400, 1600, 1800 हो जाता है दोस्तों। ठीक, तो इसका सही आंसर हुआ दोस्तों कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन है, तो प्रारंभिक में हो जाता है प्रबोध, और यदि अंतिम पूछता तो प्राज्ञ होता। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 62 पे। 62 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है। क्या है दोस्तों? क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है 4 बार। क्या है दोस्तों सही आंसर? 4 बार आयोजित की जाती है। अब ये ध्यान रखिए कि 4 बार क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति को तो की ही जाती है, और ध्यान रखिए किसका किसका 4 बार की जाती है दोस्तों। तो कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति के भी 4 बार होती हैं। किसका? कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति का, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 4 बार होती हैं, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 4 बार होती हैं, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 4 बार होती हैं, स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति का 4 बार होती है। यानी कि 4 बार आयोजित किसकी किसकी बैठक की जाती है? तो जैसे क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार? 4 बार। कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 4 बार, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 4 बार, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 4 बार, मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 4 बार, स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति के 4 बार। परंतु 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 यदि 2 बार देखें तो किसका किसका होता है? तो देखिए, हिंदी सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में 2 बार होती है। हिंदी सलाहकार समिति की बैठक वर्ष में कितने? 2 बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में 2 बार। नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक भी वर्ष में 2 बार। ये 3 बार 5 बार नहीं, प्राय नहीं होता है। तो चलिए आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 63। 63 नंबर प्रश्न है दोस्तों, क्या है? मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार की जाती है? तो आपने अभी देखे कि वर्ष में ये 4 बार की जाती है। कितने बार दोस्तों? 4 बार। 4 बार किसका किसका हम बताएं? चाहे वो मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो, स्टेशन राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो, रेलवे बोर्ड राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो, क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो, मंडल राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो या कारखाना राजभाषा कार्यान्वयन समिति हो, इसकी वर्ष में 4 बार बैठकें होती हैं। यदि हम लोग 2 बार वाला देखें तो 2 बार किसका होती है? हिंदी सलाहकार समिति की बैठक होती है या नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। ठीक, हाँ, 1 बार किसका होता है ये भी ध्यान रखें दोस्तों। 1 बार केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक होती है। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की जो बैठक होती है वो वर्ष में मात्र 1 बार होती है। तो आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 64।
64 नंबर प्रश्न है दोस्तों, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा प्रणयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो दोस्तों जो नगर में गठित होता है, प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा प्रणयन समिति के अध्यक्ष, तो वो होते हैं नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी। सही आंसर है केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी। और एक चीज यहाँ ध्यान रखें कि जो महाप्रबंधक होते हैं वो क्षेत्रीय रेलवे राजभाषा प्रणयन समिति के अध्यक्ष होते हैं। क्षेत्रीय रेलवे यानी जोनल रेलवे राजभाषा प्रणयन समिति के अध्यक्ष महाप्रबंधक यानी जीएम महोदय जी हो जाते हैं। लेकिन 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 यहाँ प्रश्न था कि प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा प्रणयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसका सही आंसर हुआ नगर में स्थित केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारी होते हैं। अगला प्रश्न संख्या 65 को देखते हैं दोस्तों कि केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है। 65 नंबर प्रश्न है केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो दोस्तों केंद्र सरकार में जो है नियमित, ग्रहण, पत्राचार, प्राइवेट, ये चारों शिक्षा प्रणाली है। इसलिए सही आंसर हुआ उपयुक्त सभी, क्योंकि केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रम की शिक्षा प्रणाली में नियमित भी है, गहन, पत्राचार और प्राइवेट। अब देखिए जो ऑप्शन को समझिए कि नियमित जो है ये 5 महीने तक चलता है, जनवरी से मई और जुलाई से नवंबर, जनवरी से मई और जुलाई से नवंबर 5 महीने तक चलाया जाता है। वर्ष में 2 स्तर होते हैं इसका नियमित पाठ्यक्रम का। यदि आप लोग देखें गहन पाठ्यक्रम तो ये ओपन लाइन के कर्मचारी हेतु वर्ष में 3 स्तर इसमें होता है। कितने होता है? 3 स्तर ओपन लाइन के कर्मचारी हेतु होता है। यदि आप लोग पत्राचार कोर्स को देखें तो ये केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा आयोजित किया जाता है 1 वर्ष तक। कहाँ द्वारा? केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1 वर्ष तक, ठीक। और यदि प्राइवेट को आप लोग ध्यान देते हैं तो ये भी परिचालन कार्य में जो लोग लगे हैं, ओपन लाइन के कर्मचारी हैं जो परिचालन कार्य में हैं, उनको छुट्टियां नहीं मिलती है अभी, तो उनके लिए प्राइवेट जो है शिक्षा प्रणाली चलाई गई है। तो इस तरह से आप देखते हैं कि नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट ये चारों पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं। इसीलिए इसका सही आंसर हुआ था उपयुक्त सभी, ठीक। नियमित जो है 5 महीने तक चलाया जाता है, जनवरी से मई, जुलाई से नवंबर, वर्ष में 2 स्तर होते हैं। गहन जो है ओपन लाइन के कर्मचारी हेतु वर्ष में 3 स्तर होता है। पत्राचार जो है केंद्रीय प्रशिक्षण संस्थान नई दिल्ली द्वारा 1 वर्ष तक। प्राइवेट जो है परिचालन कार्य में लगे ओपन लाइन के कर्मचारियों के लिए होता है, ठीक। तो आगे आ गए क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 है दोस्तों कि ओपन नहीं कोटिघ के कर्मचारियों हेतु, कोटिघ के कर्मचारियों हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो देखिए कोटिघ के कर्मचारी हेतु विशेष करके प्रबोध है, क्योंकि यही प्रारंभिक पाठ्यक्रम है। तो प्रारंभिक जो होता है सबसे निम्न है, ये कोटिघ के कर्मचारी हेतु पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है। कोटिघ के कर्मचारी हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? प्रबोध इसका सही आंसर है। यदि ये देखा जाए तो प्रवीण, प्रबोध, प्राग, ये तीनों 5-5 महीना का कोर्स होता है, ठीक। और जो 70% से अधिक उठाएंगे प्रवीण में उन्हें 1800 मिलेगा, प्रबोध में 70% से अधिक होगा तो 1600, प्राग्य में 70% से अधिक होगा तो 2400 रुपया मिलेगा प्रथम पुरस्कार। लेकिन द्वितीय पुरस्कार जो होता है वो 60% से 69% के बीच होता है। तो 60% से 69% के बीच द्वितीय पुरस्कार प्रवीण में है 1200, प्रबोध में है 800 और प्राग्य में है 1600 रुपया। लेकिन तृतीय पुरस्कार 55% से लेकर 59% तक होता है। ये प्रवीण कोर्स का तीसरा पुरस्कार है 600 रुपया, प्रबोध कोर्स का तीसरा पुरस्कार 400 रुपया और प्राग्य का तीसरा पुरस्कार 800 रुपया। क्योंकि प्रवीण में तीनों पुरस्कार प्रथम, द्वितीय, तृतीय होता है 1800, 1200, 600 और प्रबोध में प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 1600, 800, 400 रुपया होता है। प्राग्य में प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार 2400, 1600, 800 रुपया होता है, ठीक। तो यहाँ हम लोगों के कोटिघ के कर्मचारी हेतु प्रबोध पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 67 नंबर प्रश्न है दोस्तों अष्टम अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? दोस्तों अष्टम अनुसूची में जो नेपाली है ये नेपाल की भाषा है, तो यही विदेशी भाषा है। कौन? नेपाली जो है नेपाल की भाषा है, यही विदेशी भाषा है। अब देखिए दोस्तों अंग्रेजी तो शामिल है नहीं 8वां अनुसूची में, ये 8वां अनुसूची में शामिल नहीं है, ठीक।
संथाली और डोगरी ये दोनों जो हैं ये 2003 में आठवीं अनुसूची में शामिल किया गया, जिसमें संथाली संथाल द्वारा बोली जाती है और डोगरी जो है जम्मू कश्मीर में बोली जाने वाली भी एक प्रकार की भाषा है, लेकिन हिमाचल प्रदेश हिमाचल में भी कुछ भागों में बोली जाती है, पंजाब के भी कुछ क्षेत्रों में। ठीक, हालांकि डोगरी यदि प्रश्न पूछता है कि कहाँ बोली जाती है तो जम्मू कश्मीर में नहीं है, तब हिमाचल या पंजाब है। ठीक, अच्छा, संथाली संथाल जनजातियों द्वारा बोली जाती है, अंग्रेजी शामिल नहीं है, और नेपाली जो है नेपाल की भाषा है। अब देखिए डोगरी और संथाली कब आठवीं अनुसूची में जुड़े, तो जुड़े हैं 2004 में, 7 जनवरी 2004 को जोड़ा गया है, लेकिन 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 यह संविधान में पारित किया गया था 23 दिसंबर 2003 में, इसलिए वन व्यवस्था संविधान संशोधन 2003 को कहा जाता है। ठीक, उसी में जो है डोगरी संथाली बोडो और मैथिली को लागू किया गया था। तो आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 68 नंबर प्रश्न है कि केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर है गृह मंत्रालय। केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय जो है हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है, कौन करता है, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है। और एक दिलचस्प बात ध्यान रखें कि विदेश मंत्रालय पहली उप समिति में है। ठीक, अब यदि देखा जाए कि संसदीय राजभाषा के समिति तीन है, संसदीय राजभाषा के तीन समिति है, पहली उप समिति, दूसरी उप समिति और तीसरी उप समिति है। बार बार प्रश्न पूछा जाता है कि रेल मंत्रालय किस उप समिति में है, तो दोस्तों रेल मंत्रालय दूसरी उप समिति में है, रेल मंत्रालय किस में है, दूसरी उप समिति में। लेकिन यदि गृह मंत्रालय को देखा जाए तो ये पहली उप समिति में है, विदेश मंत्रालय पहली उप समिति में है। ठीक, और शिक्षा का देख रेख भी, शिक्षा का जो है वो भी केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान का देख रेख गृह मंत्रालय के अधीन है, इसलिए शिक्षा मंत्रालय को भी पहली उप समिति में ही जोड़ा जाएगा। ठीक, क्योंकि केंद्रीय हिंदी शिक्षण संस्थान का देख रेख गृह मंत्रालय के अधीन होता है। ठीक, तो अब इसमें रेल मंत्रालय दूसरी उप समिति के अधीन है, लेकिन गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय, विदेश मंत्रालय पहली उप समिति के अधीन है। ठीक, आपको पहली उप समिति में शिक्षा मंत्रालय नहीं दिखेगा, विदेश मंत्रालय दिखेगा और गृह मंत्रालय दिखेगा। लेकिन दोस्तों ध्यान रखें कि शिक्षा मंत्रालय शिक्षा से संबंधित सभी देख रेख गृह मंत्रालय करती है, इसलिए ये पहले उप समिति के अधीन है। आगे आ गए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 नंबर प्रश्न है दोस्तों, रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा क्रम में की जानी है, तो दोस्तों रेलवे स्टेशन पर जो उद्घोषणा होती है वो पहले तो प्रादेशिक भाषा में होती है, फिर हिंदी में, फिर अंग्रेजी में। इसका सही आंसर है प्रादेशिक भाषा, हिंदी और अंग्रेजी, ये सभी आया हुआ प्रश्न को इकट्ठा किया गया है। दोस्तों भले गोरखपुर रेलवे बोर्ड बनाया है, लेकिन ये सभी प्रश्न आए हुए हैं, ये हाल हाल मुंबई के एक डिवीजन में आया हुआ था, मतलब तो ये प्रादेशिक भाषा सबसे पहले है, तब हिंदी और तब जाके अंग्रेजी है। ठीक, रेलवे स्टेशन पर उद्घोषणा किस क्रम में होता है, प्रादेशिक, तब हिंदी, तब अंग्रेजी। अच्छा ध्यान रखें दोस्तों एक चीज इसमें रोचक है कि हिंदी या अंग्रेजी के ऑप्शन कहाँ रहता है, तो जब कर्मचारी का नाम होता है, पद नाम होता है और साइन बोर्ड होता है, तो पहले हिंदी और तब अंग्रेजी में। ठीक, कर्मचारी के नाम, पद नाम, साइन बोर्ड तो पहले हिंदी या तब अंग्रेजी में होता है दोस्तों, ध्यान रखें। लेकिन यहाँ पे यदि रेलवे स्टेशन पे उद्घोषणा भाषा के क्रम रही तो ये प्रादेशिक भाषा, तब हिंदी, तब अंग्रेजी होती है। ठीक, और ध्यान रखें क्या बताए हैं कि यदि कर्मचारी के नाम, पद नाम, साइन बोर्ड हो तो यह हिंदी या अंग्रेजी में होता है, ध्यान रखें। तो चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 70 नंबर प्रश्न है दोस्तों कि राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधन हुआ, राजभाषा नियम 1976 का अंतिम बार संशोधन, तो देखिए राजभाषा नियम 1976 का संशोधन अभी तक तीन बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1987 में, कब हुआ था, पहली बार दोस्तों, पहली बार हुआ था 1987 में, अच्छा पहली बार 1987 में हुआ था, जिसमें अंडमान तथा निकोबार को का क्षेत्र में लाया गया था। दूसरी बार हुआ था 2007 में, दूसरी बार कब हुआ था, 2007 में, उसमें क्या हुआ था कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, जिसे बिहार से अलग हुआ था झारखंड,
ठीक, मध्य प्रदेश से अलग हुआ था छत्तीसगढ़, और उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था उत्तराखंड। तो इन तीनों को नामतः का क्षेत्र में शामिल किया गया था 2007 में, ठीक। और तीसरी बार जो संशोधन हुआ था ये 2011 में हुआ था, उसमें दादर एवं नगर हवेली तथा दमन और दीव को खा क्षेत्र में शामिल किया गया। तो अंतिम बार कौन हुआ, 2011 हुआ ना, 2014 में कुछ नहीं था, ठीक। तो इसका सही आंसर हुआ, अंतिम बार संशोधन कब किया गया, तो 2011 में, सही आंसर है।